गाइस मोटोरोला ने आज इंडिया में अपना लॉन्च कर दिया है मोटो जी 9 पावर को। आइए दोस्तों आज बताते हैं कि आज स्मार्टफोन 10,000 के बजट में ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, और ये बताते हैं दोस्तों कि आपको वाकई में यह स्मार्टफोन आपको परचेज़ करना चाहिए या नहीं, और दोस्तों इसके सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं कि क्या इसके स्पेसिफिकेशन है। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं दोस्तों। बात करते हैं पहले इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों इसमें दिया गया है 6.53 इंच की एक HD+ डिस्प्ले, जो IPS LCD डिस्प्ले है दोस्तों। और बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले में दोस्तों कोई गोरिल्ला ग्लास के प्रोडक्शन नहीं दिया गया। बैक साइड में दोस्तों प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है दोस्तों। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में, इसमें दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर। बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में, इसमें कैमरा दिया गया है 48 मेगापिक्सल का मैन सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ। अगर बात करते हैं इसकी बैक साइड के बारे में, बैक साइड तो ये प्लास्टिक बॉडी है लेकिन ब्लैक और एक रियलमी 7 के जैसा तो ग्रीन कलर दिया गया है। अगर बात करते हैं इसकी ओवरव्यू के बारे में, इसमें दोस्तों 4GB रैम 64GB स्टोरेज दिया गया है, और इसकी जो परफॉर्मेंस है दोस्तों ये तो 662 ठीक ठाक प्रोसेसर दोस्तों, ये गेमिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है। HD+ डिस्प्ले है दोस्तों। अगर दोस्तों इसकी प्राइस की बात करते हैं इंडिया में, इसकी दोस्तों 4GB रैम 64GB स्टोरेज की प्राइस रखा गया इंडिया में दोस्तों 9,999 रुपीज़, इसके मतलब दोस्तों 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में दोस्तों अगर आप चाहते हैं लेना तो ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप गेमिंग के लिए सोच रहे हैं तो जा सकते हैं दोस्तों जो Redmi Note 9 Prime है, या तो दोस्तों कोई दूसरा फ़ोन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये 10,000 के अंदर ये कंसिडर करने वाला कोई फ़ोन नहीं है। इसके ऐसे स्पेसिफिकेशन आपको बता दिए, और दोस्तों बताते हैं ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप अगर गेमिंग वगैरह नहीं करते हैं, आपको चाहिए स्टॉक एंड्रॉयड, तो आप मोटोरोला के स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। और कैमरा भी उतना कोई खास नहीं, सेल्फी में कैमरा दोस्तों दिया गया है 16 मेगापिक्सल का, उतना कोई अच्छा हैवी कैमरा नहीं है, मीडियम क्वालिटी का दिया गया है दोस्तों। दोस्तों चाहे तो आप परचेस कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अगले गॉड ब्लेस मैन हैप्पी।